Hello students, welcome to Study Khazana. My name is Saloni Jain and today I'll be discussing the chapter 5th of your history textbook, that is the age of industrialization. ठीक है, so जैसे कि हम history के सब chapters में पहले तो हमने nationalism पढ़ा, ठीक है, उसके बाद हमें अब mainly history के chapters में कैसे कैसे world में different developments हुई हैं different fields में वो पढ़ना है. ठीक है, जैसे आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि लिटरेचर में, नॉवेल्स में, प्रिंट मीडिया में कैसे डेवलपमेंट्स हुई, कैसे कैसे प्रोग्रेस हुई, तो ऐसे इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की फील्ड में, ठीक है, कि जो फैक्ट्रीज आई धीरे धीरे, कैसे आई, कहाँ पर आई, किस किस फील्ड में आई, किस किस प्रोडक्ट में आई, और फिर धीरे धीरे कंट्रीज़ में कैसे फैली और कंट्रीज़ को कैसे इफ़ेक्ट किया, ये सब हमें पढ़ना है इस चैप्टर में. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. The modern world is associated with rapid technological change and innovations, machines, factories, railways and steamships. ठीक है, तो हमें पता है कि जैसे जैसे world ने modernize किया, progress किया, वैसे वैसे ये सब चीज़ें develop होने लगी. The history of industrialization thus becomes simply a story of development. And the modern age appears as a wonderful time of technological progress. ठीक है, so this is a very simple line के modern आज की जो age है, modern age, ठीक है, उसमें progress किस पे directly proportional है, technological innovations पे. जैसे जैसे technology आगे बढ़ रही है, science आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे progress हो रही है. ठीक है, पर obviously इसके downsides भी हैं बहुत. Now even before factories began to dot the landscape in England and Europe, there was large scale industrial production for an international market. This was not based on factories. Many historians now refer to this phase of industrialization as proto-industrialization. तो एक बार इसकी definition देख लेते हैं, proto-industrialization की important term है हमारे chapter के लिए. क्या कहना, क्या है इसका मतलब? ऐसा period, ठीक है, जिसमें जो production था, जो भी हमारी factories, जो भी related था हमारा production goods का, वो फैक्ट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं था. ठीक है, वो उससे पहले के पीरियड में था, मास प्रोडक्शन होता था बट इंडस्ट्रियलाइज लेवल पे नहीं होता था. ठीक है, सो द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिफोर द फैक्ट्रीज केम अप, फर्स्ट फैक्ट्रीज केम अप इन यूरोप इज टर्म्ड एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. दिस पीरियड वॉज मार्क्ड बाय मर्चेंट्स फ्रॉम टाउन्स गेटिंग प्रोडक्ट्स मेड इन विलेजेस. तो बेसिकली लोकल लेवल पे जो प्रोडक्ट्स बनते थे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो इस फेज़ का पार्ट थे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के. यहाँ पे फैक्ट्रीज़ नहीं आई थी अभी तक, इंडस्ट्रीज़ नहीं आई थी. जो भी मैनुअली जो भी काम होता था छोटे या बड़े लेवल पे, उससे जितनी भी ट्रेड कैरी आउट होती थी, वो इस फेज़ में आ जाती है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, नाउ रीजंस फॉर फोकस ऑफ मर्चेंट्स ऑन विलेजेस. ठीक है, कि जब ये फेज़ चल रही थी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो हमने ये पढ़ा कि प्रोडक्ट्स मेड इन विलेजेस. ठीक है, तो वाई, ये क्यों पॉपुलर थे? ठीक है, तो जो मर्चेंट्स थे, फोकस ऑफ मर्चेंट्स ऑन विलेजेस, जो मतलब ट्रेडर्स थे, ठीक है, जो भी गुड्स प्रोक्योर करते थे, उनका क्यों था इंटरेस्ट रूरल इस विलेज साइड में? ठीक है, सो वो देख लेते हैं हम. मर्चेंट्स फ्रॉम द टाउन्स इन यूरोप बिगैन टू मूव टू द कंट्री साइड सप्लाइंग मनी टू पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स परस्यूएडिंग दैम टू प्रोड्यूस फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट. तो बहुत सिंपल सी लाइन है, क्या हुआ कि जो मर्चेंट्स थे टाउन से, ठीक है, जो भी ट्रेडर्स या बिजनेसमैन होते थे, वो पैसे देते थे, सप्लाई मनी टू पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स. विलेजेस में जो भी पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स होते थे, उनको वो मनी सप्लाई करते थे. ठीक है, एंड ऑब्वियसली किस लिए? ताकि वो उनके लिए गुड्स प्रोड्यूस करें, और फिर जो गुड्स प्रोड्यूस होते थे, वो उसको कहाँ बेचते थे? इंटरनेशनल मार्केट में. ठीक है, तो ये इनकी सप्लाई चेन थी कि जो ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, वो पैसे सप्लाई करते हैं विलेजेस में गुड्स बनवाने के लिए, और फिर जो गुड्स बनते हैं, वो उनको इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर देते हैं. ठीक है, नाउ विद द एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड द एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द डिमांड फॉर गुड्स बिगैन टू ग्रो. ठीक है, ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ी, उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ने के बाद ट्रेड बढ़ी. ठीक है, कंट्रीज में कॉन्टैक्ट बढ़ने लगे, और ये जो लिखा एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज, जो यूरोपियन कंट्रीज ने दूसरी कंट्रीज को एक्वायर करना शुरू किया, इन सब की वजह से डिमांड फॉर गुड्स बिकैन ग्रोइंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम गुड्स की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो कैसे धीरे धीरे डिमांड्स बढ़ने लग गई गुड्स के लिए. नाउ देयर वर पावरफुल ट्रेड एंड क्राफ्ट गिल्ड्स इन अर्बन एरियाज. दीज एसोसिएशंस कंट्रोल्ड कॉम्पिटिशन एंड प्राइसेस एंड प्रिवेंटेड एंट्री ऑफ अ न्यू प्लेयर इन द मार्केट.
because of them it was difficult for new merchants to set business in towns. Isko in fact main next paragraph mein hi kar deti hu kyunki ye thoda wo different point hai ki humne pad liya ki kya system tha proto industrialization ka, uske baad merchants kyun interested the village areas mein aur kaise wo function karte the. Uske baad ek ye important line hai aapki ki urban areas mein बहुत ही पावरफुल गिल्ड्स होते थे. ठीक है, गिल्ड्स मतलब आप मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑफ ट्रेडर्स. ठीक है, जो बहुत एक क्लोज नेट ग्रुप होता था. तो वो क्या करते थे, ऑब्वियसली कोई भी अगर नया कॉम्पिटिटर उनके लिए आएगा वो उसको आने से रोकेंगे. ठीक है, तो इसीलिए सेटिंग अप अ बिजनेस इन द अर्बन एरियाज इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि ये जो गिल्ड्स होती थी ये सब प्राइसिस पे भी कंट्रोल रखती थी. ये लिखा है ना, they controlled competition and prices and prevented entry of a new player in the market. तो उनकी एक क्लोज ग्रुप एक मान लीजिए आप होता था जो कि उस एरिया के बिजनेस को अपने कंट्रोल में रखता था, स्ट्रॉन्ग होल्ड था उनका उस बिजनेस के ऊपर. और अगर कोई भी ऑब्वियसली न्यू एंट्री आएगी, ठीक है, बिजनेस के लिए, तो वो उसको आने से रोकेंगे. ठीक है, सो दिस वॉज द बेसिक, ठीक है, बैकग्राउंड. अब थोड़े से फीचर्स पढ़ने हैं हमें ब्रिटेन में प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज के. Features of proto-industrialization in Britain. Now, the merchants supplied money to the peasants in the countryside. They motivated them to produce products for an international market. तो ये हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं. ठीक है, कि इस फेज में जो merchants होते थे वो peasants को villages में पैसा finance करते थे. ठीक है, और उनसे goods produce करवाते थे international market में sell करने के लिए. नेक्स्ट, लैंड वॉज बिकमिंग स्कार्स इन विलेजेस. स्कार्स मतलब कम होता जा रहा था धीरे धीरे. स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड वर नॉट इनफ टू मीट द नीड ऑफ अ ग्रोइंग पॉपुलेशन. पीजेंट्स वर लुकिंग फॉर सम एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम. ऑब्वियसली पहले जब पॉपुलेशन कम थी और लैंड अबंडेंस में अवेलेबल था तो इनको प्रॉब्लम नहीं होती थी अपना लाइवलीहुड चलाने में. ठीक है, क्योंकि लैंड एक अश्योर्ड सोर्स ऑफ इनकम था. बट जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई और लैंड के जो लैंड कम अवेलेबल लैंड की अवेलेबिलिटी कम होने लगी, वैसे वैसे इन लोगों को अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम ढूंढने पड़े. ठीक है, सो व्हेन द मर्चेंट्स केम अराउंड एंड ऑफर्ड एडवांसेस टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर देम पीजेंट हाउसहोल्ड्स ईगरली अग्रीड. ठीक है, अब वो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ढूंढ ही रहे थे. तो जब ये मर्चेंट्स अपने पैसे लेके आए कि आप हमारे लिए गुड्स प्रोड्यूस करो, तो दे रेडिली एक्सेप्टेड दीज पीजेंट्स. ठीक है, By working for the merchants, they could remain in the countryside and continue to cultivate their small plots. So, इनके पास दो employment options हो गए. आपके अपना जितना भी इनका land बचा है इनके पास उसको तो cultivate कर ही रहे हैं, साथ में merchants के लिए भी काम कर रहे हैं, goods produce कर रहे हैं. ठीक है, Income from proto-industrial production supplemented their shrinking income from cultivation. वही, क्योंकि इनकी जो cultivation से पैसे आ रहे थे, income आ रही थी, वो कम होती जा रही थी, इसीलिए they were looking for these alternative sources of employment जो कि इन्हें goods के production में मिला. It also allowed them a fuller use of their family labor resources. इसका मतलब simple है कि पूरी family ही production of goods में involve हो जाती थी. ठीक है, Now the proto-industrial system was a network of commercial exchanges. It was controlled by merchants. हम ऊपर यही पढ़ते आए हैं. Goods were produced by peasants who worked within their family farms and not in factories. मतलब कोई ऐसे फैक्ट्री हमने देख ही लिया कि proto-industrialization phase में there were no factories. तो ये जो भी पीजेंट्स प्रोड्यूस करते थे गुड्स, ये अपने विद इन द प्रमाइसिस ऑफ देयर हाउस या फार्म्स यहीं करते थे. ठीक है, कोई अलग से फैक्ट्री में जाके प्रोडक्शन नहीं होती थी अभी. द फिनिश प्रोडक्ट पास थ्रू सेवरल स्टेजेस एंड रीच द मार्केट्स ऑफ लंडन. फ्रॉम लंडन द प्रोडक्ट्स वर सप्लाइड टू द इंटरनेशनल मार्केट. और ये ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है इनको, मतलब मर्चेंट. ठीक है, क्योंकि मर्चेंट ने पैसे दे दिए पीजेंट को. अगेन मैं आपको चेन एक बार रिवाइज करा रही हूँ कि मर्चेंट ने मनी सप्लाई किया पीजेंट्स को टू प्रोड्यूस द गुड्स. ठीक है, उसके बाद आफ्टर द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, अब मर्चेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में उसको सेल करे. ठीक है, सो ये था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज हमारा पूरा. अब हमें देखना है कि फैक्ट्री कैसी आई, कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री. ये हमारा टॉपिक है. अभी तक तो हमने देख लिया कि कैसे हाउस होल्ड या फार्म लेवल पे, छोटे लेवल पे
प्रोडक्शन मतलब मास लेवल पे थी, ठीक है, बट फैक्ट्रीज उसमें इन्वॉल्व नहीं थी. पर अब देखते हैं फैक्ट्रीज कैसे आई. सबसे पहले इंग्लैंड में आई थी, आई थिंक ये हम सबको पता ही है. सो लेट्स रीड. द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड केम अप इन 1730s. बाय लेट 18th सेंचुरी देयर वर न्यूमरस फैक्ट्रीज डोटिंग द लैंडस्केप ऑफ इंग्लैंड. मतलब देयर वर मेनी फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड इन लेट 18th सेंचुरी. In 1760, Britain was importing 2.5 million pounds of raw cotton, but this quantity increased to 22 million pounds by 1787. So, ab difference dekhiye, 1760 and 1787, theek hai, zyada difference nahi hai. Aur isme difference dekhiye, cotton inhone example liya hai ki 1760s mein 2.5 million pounds, theek hai. और इतना ह्यूज जंप हुआ 1787 में कि इट वाज 22 मिलियन पाउंड्स ऑब्वियसली विच इज़ ह्यूज जंप. ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि कैसे फैक्ट्री कल्चर धीरे धीरे बढ़ता चला गया, ठीक है, ब्रिटेन में. और ऑब्वियसली फिर और जगह भी फैल गया. सो ये था इंट्रोडक्शन कि फैक्ट्रीज आई कैसे. अब हमें नेक्स्ट करना है बेनिफिट्स ऑफ दी फैक्ट्रीज, ठीक है. आई थिंक ये हम सब बना ही सकते हैं अपने आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ईजी ही टॉपिक है ये. द फैक्ट्रीज इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स. ऑब्वियसली कि पहले जो काम वो मैनुअली करते थे, अब धीरे धीरे ऑटोमेशन आने लगी, ठीक है, तो उनकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब एक लिमिटेड टाइम में वो कितनी प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, कितना आउटपुट दे रहे हैं, वो बढ़ गया, ठीक है, फैक्ट्रीज के आने से. बिकॉज ऑफ न्यू मशीन्स अ वर्कर कुड प्रोड्यूस बेटर प्रोडक्ट्स इन मच बिगर क्वान्टिटीज. एक घंटे में सपोज अगर वो मैनुअली 10 प्रोडक्ट बना रहा था, तो फैक्ट्रीज के आने से एक घंटे में वही वर्कर 100 प्रोडक्ट बना पा रहा है, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ गई उसकी. कॉटन टेक्सटाइल्स वर द मेन एरिया इन विच इंडस्ट्रियलाइजेशन हैपन. द कॉस्टली न्यू मशीन्स कुड बी परचेज सेटअप एंड मेंटेन इन द मिल, ठीक है. ऑब्वियसली नई है जो फैक्ट्री आई है, उसमें मशीन्स हमारी इंस्टॉल्ड होंगी, और नई मशीन्स हैं तो दे आर कॉस्टली, ठीक है. Within the mill, all the processes were brought together under one roof and management. Managing and supervising the labor was much easier in factories than it was in the countryside. ये काफ़ी important point है, सारे ही important है कि much easier. इसका क्या मतलब है कि proto industrialization phase में जब production होती थी तो peasants को manage करना मुश्किल होता था, क्योंकि वो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, स्कैटर्ड हैं, सब अपने फार्म में या हाउस होल्ड में प्रोडक्शन कर रहे हैं. पर यहाँ पर एवरीथिंग केम अंडर वन रूफ, वहीं मशीन्स लगी हुई हैं, वहीं वर्कर्स काम कर रहे हैं, वहीं प्रोडक्शन चल रही है, तो मैनेजिंग एंड सुपरविजन के वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, ये ईजी हो गया ऑफकोर्स, ठीक है. जब एक ही जगह सब चीज़ें आ गई तो ये चीज़ ईजी हो गई. सो दीज आर द बेनिफिट्स. एफिशिएंसी मैं आपको बता ही चुकी हूँ. नाउ द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, ठीक है. इस टॉपिक का ये मतलब है कि फैक्ट्रीज आ गई, ठीक है, अब कैसे धीरे धीरे उसने इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को शेप किया, ठीक है, किस पेस पे, किस स्पीड पे उसने चेंज किया इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को, प्रोडक्शन लैंडस्केप को, ठीक है. कॉटन एंड मेटल्स were the most dynamic industries in Britain. During the first phase of industrialization, that is up to 1840s, cotton was the leading sector. So you have to note this point down. Initially, cotton ही lead कर रहा था. The iron and steel industries grew rapidly with the expansion of railways. The railways expanded in England from the 1840s. एंड इन द कॉलोनीज फ्रॉम 1860s, ठीक है. अब कॉटन के बाद कौन सी इंडस्ट्री आई? आयरन एंड स्टील, ठीक है. सो जस्ट कीप नोटिंग दैम डाउन. और ऑब्वियसली आयरन एंड स्टील के आने के बाद वो किस पे असर करेगी? रेलवेज पे, ठीक है, इंटर रिलेटेड है ये दोनों. नाउ बाई 1873 द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील फ्रॉम ब्रिटेन वॉज वैल्यूड एट अबाउट 77 million pounds, ठीक है. This was double the value of cotton export. तो cotton के बाद कौन सी आ गई, कौन सी lead करने लगी? Iron and steel, ठीक है. तो अब हम ये pace देख रहे हैं, ठीक है, कि पहले cotton ने lead किया, फिर धीरे धीरे iron and steel उठने लगी, और फिर वो इतना level पे आ गई कि उसकी जो
वैल्यू थी वो डबल द वैल्यू ऑफ कॉटन एक्सपोर्ट, उसकी जो एक्सपोर्ट की वैल्यू थी वो कॉटन से डबल हो गई, इतना ज़्यादा हो गया. एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी लेस देन 20% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स वॉज एम्प्लॉयड इन टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स. दिस शोज दैट द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री कुड नॉट बी डिस्प्लेस्ड बाय द न्यू इंडस्ट्रीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका. वो क्या बता रहे हैं कि इंडस्ट्रीज तो आ गई, ठीक है, बट आते ही उन्होंने पूरी वर्क फोर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं किया जो ट्रेडिशनली काम कर रही थी. जैसे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज में हमने पढ़ा, जो वर्कर्स वैसे काम कर रहे थे मैनुअली बेसिकली विदाउट फैक्ट्रीज, एकदम से सब ने इंडस्ट्रीज ज्वाइन नहीं की, ठीक है, सब फैक्ट्रीज में नहीं गए एकदम से, ठीक है. जस्ट कितना लिखा है, लेस देन 20% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स वॉज एम्प्लॉयड इन टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, ठीक है. एंड दिस शोज दैट ट्रेडिशनल इंडस्ट्री कुड नॉट बी डिस्प्लेस्ड बाय द न्यू इंडस्ट्रीज. तो एकदम से वो ट्रांजिशन नहीं हुआ ट्रेडिशनल से फैक्ट्रीज पे, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज से फैक्ट्री पे. द कॉटन और मेटल इंडस्ट्रीज कुड नॉट सेट द चेंज ऑफ पेस इन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, बट द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एक्सपीरियंस्ड मेनी चेंजेस विच वर ब्रॉट बाय स्मॉल एंड अपेरेंटली ऑर्डिनरी इनोवेशंस, ठीक है. तो वही बता रहे हैं कि इंडस्ट्रीज आ गई, पर प्रोडक्शन भी शुरू हो गई इंडस्ट्रीज में, पर एकदम से सारी वर्कफोर्स उठ के इंडस्ट्रीज में नहीं आई, ठीक है. तो जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज चल रही थी, ठीक है, वो अभी भी अच्छे खासे लेवल पर ऑपरेट कर रही थी और उनमें भी थोड़ी सी डेवलपमेंट्स हुई, थोड़े प्रोग्रेस किया उन्होंने. कैसे? बाय स्मॉल इनोवेशंस, ऑर्डिनरी इनोवेशंस. एग्जाम्पल क्या है? फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, पोट्री, ग्लास वर्क, टैनिंग, फर्नीचर मेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट्स और सच इंडस्ट्रीज. वो ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो ट्रेडिशनली चल रही थी और इनमें छोटी छोटी इनोवेशंस होती रही, ठीक है. नाउ द न्यू टेक्नोलॉजी टुक अ लॉन्ग टाइम टू स्प्रेड अक्रॉस द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप, ठीक है. यही हम पढ़ रहे हैं कि आ गई इंडस्ट्रीज पर सब ने एकदम से उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया. वाई? बिकॉज हाई कॉस्ट ऑफ मशीन्स एंड कॉस्टली रिपेयर स्केयर्ड द मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द न्यू मशीन्स वर नॉट एज इफेक्टिव एज क्लेम्ड बाई इन्वेंटर्स एंड मैनुफैक्चरर्स, ठीक है. तो दो तीन डर थे लोगों के दिमाग में. फर्स्ट तो क्या था? हाई कॉस्ट. ऑब्वियसली मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि नई चीज़ है, नई टेक्नोलॉजी है, तो इट विल बी कॉस्टली. एंड कॉस्टली रिपेयर्स, के अगर समथिंग ब्रेक्स डाउन तो उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस दैट वॉज ऑल्सो इक्वली कॉस्टली. सो दी स्केयर्ड द मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, जो भी उन चीज़ों पर पैसा लगा रहा है. अगर कोई भी नई चीज़ पे आप पैसा लगाओगे, ठीक है, कोई भी पैसा लगाएगा तो वो इंसान थोड़ा डरेगा कोई भी आपका पैसा लगाते हुए. तो द सेम वॉज द केस विद मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट इन दैट टाइम, ठीक है, क्योंकि तब आप देखो इंडस्ट्रीज नई नई आई थी, ये सारा कॉन्सेप्ट नया था, एवरीथिंग वॉज न्यू टू देम. सो हर कोई थोड़ा सा स्केप्टिकल होगा कि वेदर आई शुड इन्वेस्ट और नॉट. सो फर्स्ट पॉइंट वॉज इज दे वर स्केयर्ड. सेकेंड, द न्यू मशीन्स वर नॉट एज इफेक्टिव एज क्लेम्ड बाय देयर इन्वेंटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स. तो ये एक स्केप्टिसिज्म था कि ये जो मशीन्स हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं इन पे, क्या ये इतनी इफेक्टिव होंगी, क्या ये इतनी एफिशिएंट होंगी, ठीक है. एक एग्जांपल है, जेम्स वॉट इम्प्रूव्ड द स्टीम इंजन प्रोड्यूस्ड बाय न्यू कॉमन एंड पैटेंटेड द न्यू इंजन इन 1781. हिज इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड मैथ्यू बोल्टन मैन्युफैक्चर्ड द न्यू मॉडल, बट फॉर ईयर्स ही कुड नॉट फाइंड एनी बायर्स. At the beginning of the 19th century, there were no more than 321 steam engines all over England. तो क्या बता रहे हैं कि ये स्टीम इंजन धीरे धीरे डेवलप हुआ और इवॉल्व हुआ, जैसे जेम्स वॉट ने किया, उसके बाद उनके फ्रेंड ने किया, बट उनको बायर्स ही नहीं मिले इस टेक्नोलॉजी के, ठीक है. नई टेक्नोलॉजी तो आ गई बट बायर्स नहीं मिले. स्टीम इंजन्स वर नॉट यूज इन एनी ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज टिल मच लेटर इन द सेंचुरी. सो even the most powerful technology that enhanced the productivity of labor manifold was slow to be accepted by industrialists. तो क्या कहना चाह रहे, स्टीम इंजन बहुत बड़ी इन्वेंशन थी, हम सबको पता है, बट उसको भी इन्वेंट होने के बाद लोगों ने एकदम से एक्सेप्ट नहीं किया इमिडिएटली. इट टुक इट्स टाइम, ठीक है. नाउ हिस्टोरियंस एक्नॉलेज द फैक्ट दैट टिपिकल वर्कर्स इन मिड 19th सेंचुरी वॉज नॉट अ मशीन ऑपरेटर बट द ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पर्सन एंड लेबरर, ठीक है. तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि
मशीन्स के आने से वर्कर्स की वैल्यू एज सच कोई कम नहीं हुई, ठीक है, कि वो ये नहीं मानते थे कि मशीन आ गई तो वर्कर की वैल्यू कम हो गई, दे आर जस्ट रिड्यूस टू हैंड्स दैट ऑपरेट द मशीन, नो, ठीक है. नाउ हैंड लेबर एंड स्टीम पावर. और ऑब्वियसली ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया मिड 19th सेंचुरी, ठीक है, कि जब ये इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी तो धीरे धीरे एक क्या माइंडसेट बन गया था लेटर स्टेज पे कि वर्कर्स आर जस्ट हैंड्स दैट आर ऑपरेटिंग द मशीन, उनको कोई क्राफ्ट पर्सन का दर्जा नहीं दे रहे थे. बट अभी के टाइम में मशीन के आने के बावजूद स्टार्टिंग में उनको एक क्राफ्ट पर्सन एंड लेबरर का दर्जा मिलता था, ठीक है, कि ठीक है मशीन्स ऑपरेट कर रहे हैं बट दे आर इन देम सेल्फ्स अ क्राफ्ट पर्सन, ठीक है, दे आर नॉट जस्ट हैंड्स ऑपरेटिंग द मशीन. हैंड लेबर एंड स्टीम पावर. Now, during this period, there was no shortage of human labor because of good supply of workers. There was no problem of labor shortage or high wages. As a result, the merchants and industries preferred to manage with human labor rather than investing in costly machines. So, ye bhi ek important point hai ki kyun technology dheere dheere accept ki logon ne. Kyunki jo population thi wo achhi thi, to manual labor ki kami nahi thi, shortage nahi thi, theek hai? और वेजेस की भी प्रॉब्लम नहीं थी. तो अगर सेम काम उनको कम कॉस्ट पे मिल रहा है मैनुअल लेबर से तो व्हाई शुड दे इन्वेस्ट इन मशीन्स, ठीक है, तो ये मेन पॉइंट था, ठीक है. तो इसलिए काफ़ी ओनर्स ने, काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट ने अभी मशीन्स को यूज़ करना नहीं स्टार्ट किया क्योंकि उनका मैनुअल लेबर से अच्छा काम चल रहा था. इन मेनी इंडस्ट्रीज द डिमांड फॉर लेबर वॉज सीजनल. गैस वर्क्स एंड ब्रिवरीज वर स्पेशली बिजी थ्रू द कोल्ड मंथ्स. So they needed more workers to meet their peak demand. See, I guess you know what are seasonal industries, ठीक है, जिसका जिनका जिनका साल में particular months season होते हैं, ठीक है. So अब जब season उनका होगा तो उनमें demand बढ़ जाएगी workers की, ठीक है. So ये कुछ example दिए हुए हैं, gas works, breweries, etc. So इनकी cold months में ज़्यादा डिमांड होती थी. सो दे नीडेड मोर वर्कर्स टू मीट देयर पीक डिमांड. जब ऑब्वियसली सीजन होगा इन इंडस्ट्रीज का तो इनको ज़्यादा वर्कर चाहिए होंगे. बुक बाइंडर्स एंड प्रिंटर्स केटरिंग टू क्रिसमस डिमांड टू नीडेड एक्स्ट्रा हैंड्स बिफोर डिसम्बर. एट द वाटर फ्रंट विंटर वॉज द टाइम दैट शिप्स वर रिपेयर्ड एंड स्प्रूज्ड अप इन ऑल सच इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन फ्लक्चुएटेड विद द सीजन. इंडस्ट्रीज यूजली प्रेफर्ड हैंड लेबर एम्प्लॉइंग वर्कर्स फॉर द सीजन. तो आप इसका मतलब समझिए, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर उनको सीजनल काम चाहिए, ठीक है, मतलब थ्रू आउट द ईयर काम नहीं चाहिए, सीजनल चाहिए, तो वो मशीन्स इम्प्लॉय करके क्या करेंगे, मशीन्स को इम्प्लॉय नहीं सॉरी मशीन्स परचेज करके क्या करेंगे, क्योंकि जिस सीजन में उनका काम है उसमें तो ठीक है उनका काम चल जाएगा, बट रेस्ट ऑफ द सीजन्स, रेस्ट ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर उनकी मशीन्स खाली है. सो इट विल बी अ वेस्ट ऑफ देयर कॉस्ट, ठीक है. बट वर्कर्स के साथ क्या है, वर्कर्स के साथ ये है कि जब सीजन होगा तो वो उनसे काम ले सकते हैं और जब सीजन नहीं है सो उनको हायर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है. तो वो अपनी कॉस्ट बचाने के लिए दे प्रेफर्ड के ऐसी स्पेशली सीजनल इंडस्ट्रीज में दे प्रेफर्ड कि हम मशीन्स को परचेज ना करके वर्कर्स पे ही डिपेंड करें कि जब हमें ज़्यादा वर्कर्स की डिमांड चाहिए तो हम अकॉर्डिंगली उनको हायर कर सकते हैं. पर मशीन्स के केस में ऐसा नहीं हो सकता, मशीन्स में ऐसा नहीं हो सकता कि जब काम नहीं है तो आप मशीन्स को बेच दो या बाहर निकाल दो और फिर जब काम है तो दोबारा खरीद लो, नहीं. वंस यू परचेज इट इट्स योर्स, ठीक है. तो एक ये भी रीज़न आप लिख सकते हैं कि धीरे धीरे क्यों एक्सेप्ट की इंडस्ट्रीज, ठीक है, ज़्यादा पॉपुलर क्यों नहीं हुई स्टार्टिंग में. नाउ मशीन मेड गुड्स वर स्टैंडर्डाइज्ड एंड कुड नॉट मैच द हाई क्वालिटी फिनिश ऑफ हैंडमेड गुड्स, ठीक है. वन अनदर रीज़न द पीपल फ्रॉम द अपर क्लासेस प्रेफर्ड थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय हैंड, ठीक है, जो एलीट क्लास थी, एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी मेनली, उनको मशीन मेड गुड्स थोड़े चीप लगते थे, ठीक है, उनको लगता था नहीं हैंडमेड गुड्स की अपनी ग्रेस है एंड वी विल प्रेफर देम. हैंडमेड प्रोडक्ट्स केम टू सिम्बलाइज रिफाइनमेंट एंड क्लास, देवर बेटर फिनिश्ड इंडिविजुअली प्रोड्यूस्ड एंड केयरफुली डिजाइंड. कि मशीन में तो क्या होता था, एक स्टैंडर्ड आइटम प्रोड्यूस होते जा रहा है लार्ज स्केल पे, पर हैंडमेड जो है वो कस्टमाइज हो सकता था, ठीक है, फॉर पीपल. मशीन मेड गुड्स वर फॉर एक्सपोर्ट टू द कॉलोनीज, ठीक है, जो
जो नेटिव लोग होते थे वहाँ के, ठीक है, उनके यूज़ के लिए जो वो क्या प्रेफर करते थे कि उनके यूज़ के लिए जो गुड्स प्रोड्यूस हों वो हैंडमेड ही हों, मशीन मेड ना हो। तो जो मशीन मेड गुड्स थे उनको एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए प्रोड्यूस किया जाने लगा। ठीक है, द सिचुएशन वॉज डिफरेंट इन 19th सेंचुरी अमेरिका। देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ लेबर इन अमेरिका एंड हेंस मैकेनाइजेशन वॉज द ओनली वे आउट इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो प्लीज़ रिमेंबर, ऊपर जो हमने सारा पढ़ा दैट इज़ अबाउट यूरोप। ठीक है, यूरोप में ये सब था, वर्कर्स की कमी नहीं थी तो लोग मशीन्स को प्रेफर अभी नहीं कर रहे थे। बट यूएस अमेरिका में देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ लेबर्स। ठीक है, सो मशीन्स वर मोर रेडिली एक्सेप्टेड एज कम्पेयर टू यूरोप। सो अमेरिका में मशीन्स वर मोर रेडिली एक्सेप्टेड एज कम्पेयर टू यूरोप बिकॉज देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, सो मीट द डिमांड, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मशीन्स को उन्होंने एक्सेप्ट किया। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, लाइफ ऑफ वर्कर्स। देयर वॉज लार्ज स्केल माइग्रेशन फ्रॉम कंट्री साइड टू सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब्स। ये कॉमन स्टोरी है, ठीक है, कि जब भी आपकी जॉब्स बढ़ेंगी तो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में माइग्रेशन होगा फॉर द पर्पज ऑफ जॉब्स। ठीक है, फाइंडिंग अ जॉब डिपेंडेड ऑन एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ फ्रेंडशिप एंड किन रिलेशंस। पीपल विदाउट सो एग्जिस्टिंग सोशल कनेक्शंस इन द सिटीज फाउंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड अ जॉब। ऑब्वियसली इफ यू हैव समवन नोन, ठीक है, इन द सिटी, सो इट बिकम्स ईजी टू फाइंड अ जॉब, स्पेशली इन दोज डेज। मैनी पीपल हैड टू वेट फॉर लॉन्ग पीरियड्स बिफोर दे कुड गेट अ जॉब। सच पीपल ऑफन हैड टू स्पेंड नाइट्स ऑन ब्रिजेज और इन नाइट शेल्टर्स। दोज हु वर जॉबलेस, जिनको अभी जॉब नहीं मिली थी सिटी में आके, तो उनको नाइट शेल्टर्स में रात गुजारनी पड़ती थी। सम प्राइवेट इंडिविजुअल सेट अप नाइट रिफ्यूजेस। द पुअर लॉ अथॉरिटीज मेंटेन्ड कैजुअल वार्ड्स फॉर सच पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, लाइफ ऑफ वर्कर्स कैसे चेंज हुई, क्या थी और फिर कैसे चेंज हुई। मैनी जॉब्स वर सीजनल इन नेचर, जैसे हमने ऊपर देखा, वंस अ बिजी सीजन वॉज ओवर द पुअर वर वंस अगेन ऑन द स्ट्रीट्स। तो यही रीज़न था एम्प्लॉयर्स इनको प्रेफर करते थे ओवर मशीन्स, क्योंकि वंस द बिजी सीजन इज ओवर आप वर्कर्स को हायर कर दो, कर देते, वो कर देते थे। ठीक है, सो देवर ऑन द स्ट्रीट्स अगेन इन सर्च ऑफ अ जॉब। वाइल सम पीपल रिटर्न टू द कंट्री साइड, मैनी स्टेड बैक टू लुक फॉर सम और जॉब्स। ठीक है, सो कुछ लोग ऐसे जब सीजन ओवर हो जाता था, बिजी सीजन, तो वो गाँव वापस लौट जाते थे। ठीक है, पर कुछ लोग रह के और जॉब्स ढूंढते थे, और जॉब्स, कोई भी छोटी मोटी जॉब, जब तक दोबारा सीजन ना आ जाए। और देर वॉज सम इंक्रीज इन द वेजेस इन द अर्ली 19th सेंचुरी। इट इज़ डिफिकल्ट टू अराइव एट फिगर्स फ्रॉम वेरियस ट्रेड्स एंड फ्लक्चुएशंस विच हैपन फ्रॉम ईयर टू ईयर। दिस पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट वॉज ऑल्सो क्रिटिकल इन डिटर्मिनिंग द क्वालिटी ऑफ अ लाइफ ऑफ अ वर्कर। इनमें थोड़े फैक्ट्स दिए हुए हैं। ड्यूरिंग द बेस्ट ऑफ द टाइम्स टिल द मिड 19th सेंचुरी अबाउट 10% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन वॉज एक्सट्रीमली पुअर। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक स्लम्प द अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज एनीथिंग बिटवीन 35-75%। तो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग पिक्चर नहीं थी, ठीक है, वर्कर्स की लाइफ की और एम्प्लॉयमेंट की। और देर वॉज सम इंक्रीज इन द वेजेस, पर क्योंकि फ्लक्चुएशंस इतनी होती थी तो एक डेफिनेट फिगर पे आना थोड़ा मुश्किल है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्पिनिंग जेनी का, ये आप प्लीज अच्छे से देखिए क्या है। वर्कर्स ऑफन टर्न हॉस्टल टू न्यू टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कि जब भी कोई नई मशीन आएगी, ठीक है, ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस होगी, तो ऑब्वियसली वर्कर्स को लगेगा कि हमारी मैनुअल लेबर की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, सो वी विल बी फायर्ड, फॉर एग्जांपल, सो दे रिजिस्टेड द न्यू टेक्नोलॉजी, वो नहीं चाहते थे कि आए। फॉर एग्जांपल, व्हेन स्पिनिंग जेनी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, वुमेन बिगैन टू अटैक द न्यू मशीन्स बिकॉज दे सर्वाइव्ड ऑन हैंड स्पिनिंग। तो जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्पिनिंग जेनी एक इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है, जो कि मैनुअल लेबर की थोड़ा कम कर देती थी मैनुअल लेबर को, तो जो भी विमेन हैंड स्पिनिंग पे सर्वाइव करती थी, अपना लाइवलीहुड उससे बनाती थी, सो उन्होंने उसको अटैक करना शुरू कर दिया। ठीक है, आफ्टर द 1840s
द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज इन द सिटीज़. ठीक है, एक नया सेक्टर आया, दिस ओपन ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जब स्टार्ट हुआ तो अब डिमांड बढ़ेगी वर्कर्स की. सो रोड्स वर वाइडेड, न्यू रेलवे स्टेशन केम अप, रेलवे लाइन्स वर एक्सटेंडेड, टनल्स डग, ड्रेनेज सीवर्स लेड एट्सेट्रा, रिवर्स एम्बैंक्ड सॉरी. तो ये सब कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है. धीरे धीरे ये सब डेवलप होने लगा. सो द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज डबल्ड इन द 1840s एंड डबल्ड अगेन इन द सब्सिक्वेंट 30 years. सो इस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी धीरे धीरे. ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर. ठीक है, तो ये अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया यूरोप का मेनली. ठीक है, अब नेक्स्ट एक्ट, जैसे आप नेक्स्ट टॉपिक देख रहे होंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगी इंडियन टेक्सटाइल्स, इंडिया में कैसे आया धीरे धीरे. हर चैप्टर में हम यही करते हैं, पहले रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का पढ़ते हैं, उसके बाद इंडिया पे फोकस करते हैं. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो एटलीस्ट ट्वाइस एंड वील बी बैक विद द नेक्स्ट लेक्चर सून. थैंक यू. Thank you.